हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें या हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मिशु जिसने टिंग का कोट उसको वापस कर दिया था, टिंग उसको दोबारा से अपना कोट पहनाते हुए कहने लगता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, सॉरी, माफ कर दो। फिर अपना हाथ आगे करते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया ना घर छोड़ने का, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। मिशु उसकी ये बात सुनकर उसको अपना हाथ दे देती है और टिंग उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, उसको हक कर लेता है, कहने लगता है कि मैं इतना भी सख्त दिल नहीं हूँ। मिशु तो उसको चक्की काट लेती है। टिंग कहने लगता है कि जितना मर्जी तुम मुझे काट लो, पर बस अब मुझे माफ कर दो, रोना मत। और वेलान और शिंग शिंग दिखाए जाते हैं जो दोनों ही मॉल में घूम रहे होते हैं। वेलान को लड़कियों के ज्यादा करीब जाना पसंद नहीं होता, वो लड़कियों से दूर भाग रहा होता है और शिंग शिंग उसको पकड़ के और भी लड़कियों के नजदीक लेकर जा रही होती है। वेलान जो भाग रहा होता है उसको पकड़ कर फुल मॉल में घुमाती है और जैसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए आते हैं तो शिंग शिंग उसका बाजू पकड़ के उसको अपने साथ लेकर जाती है। फिर वेलान और शिंग शिंग घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी शिंग शिंग वेलान से कहने लगती है कि तुम गैस करो मैं अपने माइंड में क्या सोच रही हूँ। वेलान थोड़ा सोचने पर कहता है कि तुम ये सोच रहे हो कि वेलान मुझे किस करे। शिंग कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोची। फिर वेलान उसको फोरहेड पर किस करता है और वेलान को ऐसा करते पीछे से टिंग देख लेता है जो शिंग शिंग से बात करने के लिए आया होता है। ये देखकर टिंग काफी ज्यादा सैड हो जाता है और शिंग शिंग जब घर तक पहुंचते हैं तो अपने मोबाइल को देखते हैं तो उसको टिंग की काफी ज्यादा मिस कॉल्स आई होती है। ये देखकर तो वो जाती है कि मेरा मोबाइल साइलेंट पे किसने लगाया। वेलान को कहने लगती है कि तुमने मेरा मोबाइल साइलेंट पे लगाया ना ताकि मुझे टिंग तंग ना करे और मैं टिंग से बात तक भी ना करूँ ना। वेलान कहने लगता है कि नहीं, मैंने नहीं ऐसा किया। शिंग शिंग कहती है कि मैं टिंग को अभी मिलने के लिए जा रही हूँ, पर वेलान उसको रोकते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो शिंशी कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। वेलान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शिंशी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ने के लिए क्यों जा रहे हो, तुम्हें क्योंकि टिंग नहीं पसंद ना। तुम्हें पता भी है मैं टिंग को अपना क्या समझती हूँ, वो सिर्फ मेरा एक छोटा भाई है। ये कहकर वेलान को साइड पकड़ के वहाँ से चली जाती है और वो इंसान दिखाए जाते हैं जिसने वेलान को इतनी बड़ी मुसीबत में डाला था। वो कहने लगा होता है कि वेलान ने पहले कैसे सप्लाई का ऑर्डर करवा लिया जब मैंने सप्लाई बंद की थी। इसी बात को सोच कर उसको वेलान पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी तरफ शिंग शिंग जो अपने घर पर आ जाती है अपने डैड से पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या टिंग आया था। उसके डैड कहने लगते हैं कि नहीं, वो तो नहीं आया। इतने में शिंग शिंग को टिंग का मैसेज आ जाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैसेज देखते साथ ही शिंग शिंग अपने डैड के पास से उठकर चली जाती है। उसके डैड उसके जाने के बाद सोचने लगते हैं कि लगता है कि ये फिर से टिंग के लिए किसी से लड़कर आई है और अब मुझसे अपने एक्सप्रेशन छुपाने के लिए मेरे पास से ही उठकर चली गई है। और वेलान दिखाया जाता है जो जाओ के पास होता है। जाओ के साथ मिलकर एक न्यू आईपी एड्रेस बना रहा होता है ताकि पता लग जाए कि इनके एनिमीज वगैरह कौन है। जाओ वेलान से पूछे लगता है कि तुम्हारा फेस इतना उतरा हुआ था जब तुम वापस आए थे, क्या तुम्हारे और शिंग शिंग के दरमियान कुछ हुआ है। वेलान कहने लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है कि नहीं, कुछ तो हुआ है। वेलान कहता है कि उसको मुझसे ज्यादा टिंग की फिक्र है। जाओ ये सुनकर कहता है कि लगता है उस छोटे से बच्चे टिंग को भी मोहब्बत हो गई है। और शिंग शिंग जो सुबह में अपने घर पर उठती है तो उसके डैड उसको ऐसा गुमसुम बैठे देखकर कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। शिंग शिंग आगे से कहती है कि कुछ भी नहीं डैड। फिर उसके डैड कहते हैं कि रात में मेरी भी दोस्तों से लड़ाई हो गई थी, पर दोस्तों से लड़ाई होना इतनी बुरी बात भी नहीं है। वही दोस्त होते हैं जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते होते हो और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, इस तरह उससे गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शिंग शिंग थोड़ा स्माइल पास कर रही होती है। उसके डैड कहते हैं कि क्या वो फ्रेंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। ये सुनकर तो शिंग शिंग जो पीरी होती है वो भी बाहर आ जाता है, कहने लगती है कि नहीं नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। और थोड़ा नींद का और काम का बहाना लगाकर वहां से चली जाती है। और वेलान जो कंपनी में जाओ के पास होता है, जाओ उसको एक जगह का मैप दिखाने लगता है तो वेलान को समझ आ जाती है कि ये कौन सी जगह है। ये देखकर जाओ कहते हैं कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए। वेलान कहते हैं कि हमारे पास इतने सबूत नहीं है जो हम पुलिस को दे सकेंगे और इससे वो क्या ही हमारा यकीन करेंगे, तो हमें पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे पुलिस को देने के लिए, इसलिए उससे पहले चुप करके बैठ जाओ। तो जाओ कहने लगता है कि उस लड़के से तो शिंग शिंग को भी तो खतरा है ना। वेलान कहता है कि नहीं, उसको कोई खतरा नहीं है, वो इतना ओपन में रहकर उस पर कभी भी हमला नहीं करेगा। तो जाओ कहता है कि तुम क्या शिंग शिंग को लड़का समझ रहे हो। तो वेलान कहते हैं हाँ तो क्या हुआ। जाओ कहता है कि बॉयफ्रेंड तो वो होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को कहते हैं कि तुम्हारे लिए बारिश भी मैं हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ मैं हूँ, और एक तुम उसको वैसे ही छोड़ रहे हो। जाओ की ये बात सुनने के बाद वेलान वहाँ से चला जाता है और फिर वेलान ने शिंग शिंग को अपने घर पर बुलाया होता है। शिंग शिंग कहने लगती है कि तुमने क्या कहना, जल्दी बोलो। वेलान कहते हैं कि चलो हम कॉक पीते हैं। शिंग शिंग उसकी कॉक के बाद ग्लास की तरफ देखते तो उसमें पानी होता है। शिंग शिंग कहती है कि तुमने मुझे ये पानी पिलाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं,
फिर विलान उठने लगता है तो शिंग-शिंग उसको दोबारा से बिठा देती है और कहने लगती है कि तुमने जो कुछ कहना जल्दी कहो। यह सुनकर विलान फिर से कहता है कि मैं एसी चला देता हूँ, तुम्हें गर्मी लग रही होगी। पर फिर से शिंग-शिंग उसको बिठा देती है और कहती है कि तुमने जो कहना ना जल्दी कहो वरना मैं अपनी बात कर दूंगी। यह सुनकर विलान सोचने लगते है कि ये कहीं मुझसे ब्रेकअप तो नहीं करने लगी। फिर वो कहता है कि मैं पहले बताऊंगा। उसी मंकी को पकड़ के जो उसने रिकॉर्डिंग की होती है उसको शिंग-शिंग को सुनाने के लिए चला देता है। उसमें वो कह रहा होता है कि शिंग-शिंग सॉरी, मुझे कल तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इतना ही कह रहा होता है तो मंकी आगे की रिकॉर्डिंग बस बंद कर देता है। ये देखकर वेलान मंकी को मारने लगता है। ये देखकर शिंग-शिंग वेलान का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि असल में आज मैं भी तुमसे माफी मांगने आई थी, मुझे टिंग से भी सारी बात जाकर क्लियर करनी होगी ताकि कल में फ्यूचर में आप दोनों की फिर से लड़ाई ना हो जाए। तो वेलान कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम्हें टिंग की वजह से नहीं रोकूंगा, आखिर तुम लोगों की दोस्ती इतनी पुरानी है। फिर वेलान जब शिंग-शिंग को किस करने वाला होता है तो इतने में वो मंकी उसकी सारी रिकॉर्डिंग बोल देता है जिसमें लास्ट में वेलान ने शिंग-शिंग को आई लव यू भी कहा था। ये सुनकर शिंग-शिंग हंसने लगती है, वेलान भी उसको देखकर लगता है और टिंग दिखाया जाता है जिसको सारी मेमोरीज शिंग-शिंग के साथ गुजारी हुई याद आ रही होती हैं। वो उसी मेमोरीज को याद करते हुए जाते हुए बैठकर एक जगह पर शिंग-शिंग को कॉल करता है और शिंग-शिंग से कहने लगता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पर तुमने उस बात का आंसर मुझे सच सच देना है। यह सुनकर शिंग-शिंग कहने लगती है कि हाँ बोलो। वो पूछने लगता है कि क्या तुम वेलान को लाइक करती हो। शिंग-शिंग ये सुनकर कहने लगती है कि लाइक, हाँ मैं वेलान को लाइक करती हूँ, पर ये बात मैं कंपनी में नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय और बॉस का ही रिलेशन हम दोनों के दरमियान रखना चाहती थी। सॉरी मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं तुम्हें बताने में लेट हो गई। टिंग कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुमने लोगों की बातों से नहीं घबराना, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, हमेशा खुश रहना। ये कहकर कॉल कट कर देता है और फिर टिंग शिंग-शिंग की इस बात के बाद बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और मिशी दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा खा रही होती है। उसके मॉम डैड उसको इस तरह देखकर कहने लगते है कि ये इतना खाती तो नहीं है, तो इतना क्यों खा रही है, ये तो हमेशा अपने फिगर का सोचती है। उसके डैड कहने लगते है कि नहीं, इसको काम का स्ट्रेस होगा। उसकी मॉम कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये काम का स्ट्रेस नहीं है बल्कि मुझे लगता है कि ये प्यार का चक्कर है। ये बातें मिशी भी उनकी सुन लेती है और ये बात सुनने के बाद कहने लगती है कि मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ और ना हो सकता है, ये तो मेरा वीकेंड है और मैं इसको अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम तो हर वीकेंड अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाती हो। तो मिशी बताने लगती है कि मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है तो वो सारा टाइम उसके साथ बिजी होती है, उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। फिर उसके मॉम डैड कहने लगते है कि तुम्हें भी कोई लड़का ढूंढ लेना चाहिए। उसके डैड बताते है कि मेरे फ्रेंड का बेटा अभी ही अब्रॉड से आया है, तुम कहो तो मैं उसके साथ तुम्हारी ब्लाइंड डेट रख दूं। मिशी मना कर देती है, कहने लगती है कि मैंने किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना। इतने में मिशी को शिंग-शिंग की कॉल आ जाती है, वो उसे बताने लगती है कि टिंग की मुझे कॉल आई थी और मैं उसके बाद उसको घर पर ढूंढने गई थी पर वो घर पर भी नहीं है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। ये सुनकर मिशी जल्दी से भागती है, उसके मॉम डैड तो देखते ही रह जाते हैं। और फिर मिशी जब कार में बैठी होती है उसको टिंग की काफी फिक्र हो रही होती है, वो टिंग को बार बार कॉल करती है पर टिंग उसकी एक भी कॉल अटेंड नहीं करता। इतनी कॉल्स करने के बाद वो शिंग-शिंग के घर पर पहुंच जाती है, शिंग-शिंग को टिंग की सारी बात बताने लगती है। यहीं पर हमारे एपिसोड भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।